नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गुणश्याम बुलानी और आज हम आपके सामने कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी रखने जा रहे हैं। खास करके आज का विषय है, वो तो आपने थंबनेल में पढ़ा ही हुआ कि नुपुर शर्मा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थी भारतीय जनता पार्टी की, और उन्हें किस तरह से पार्टी से सीधा सीधा निकाल दिया गया। ये जो कुछ हुआ है ये कोई एक दिन की डेवलपमेंट या एक स्टेटमेंट की डेवलपमेंट है ऐसा लगता नहीं है। इसके पीछे जिहादियों का पूरा एक एजेंडा है और वो एजेंडा वो जब यहां पर पूरा नहीं कर पाए, यानी ये सीएओ या ये जितने भी इन्होंने कार्यक्रम किए किसानों के, ये सब में शाहीन बाग वगैरह, तो उन्होंने ये तरीका अपनाया है और पहली बार यानी पिछले 8 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है भारत में, वो पहली बार कॉट ऑन दी रॉन्ग फुट यानी गलत जगह पर पकड़ी जा चुकी है, जिसका नतीजा ये हुआ कि पिछले 48 घंटे होने आ रहे हैं या हो चुके हैं लगभग, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, भारत के गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बताए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, इन सभी को बहुत ही बुरी तरह से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया है, वो चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे अनेक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो। लेकिन ये फसाद की जड़ क्या है ये कोई नहीं बता रहा, वही जानकारी हम आपके सामने लेकर के आए हैं। देखिए, रविवार के दिन जब दोपहर को लगभग 3-4 बजे के आसपास ये जानकारी आई कि नुपुर शर्मा को और नवीन जिंदल जो दिल्ली के ही है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता के पद से जवाबदारी से हटा दिया गया है। ये तो नवीन जिंदल तो दिल्ली के प्रवक्ता हैं, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, लेकिन राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विषय में ज्यादा ही कुछ सनसनी फैल गई। क्यों? क्योंकि उनके जो कथाकथित बयान बताए जा रहे हैं जो कि उन्होंने जवाब में दिए थे, यानी किसे जवाब दिया था, ये जो ज्ञानवापी मस्जिद में जो शिवलिंग पाया गया, शिव जी की पिंडी जो पवित्र स्थान है सभी हिंदुओं के लिए पूरे विश्व भर में, उसके खिलाफ जब इन कुछ जिहादी मुल्लों ने कुछ बयान दिए, अश्लील बयान, गंदे बयान, उसके जवाब में उन्होंने उन्हें जवाब दिया। अब किसी को जवाब देना क्या ये गलत काम है या पाप है ये तय करना तो आपका काम है, लेकिन ये जो भी जवाब दिया गया इन्होंने रेपिटेशन में वही बात बताई जो कई सारे मौलाना और ये मुल्ले टीवी चैनल पर आकर के कहते हैं। यानी महिलाओं की जो विवाह की उम्र है, शादी की उम्र है 12 साल या जो भी ये लोग कहते हैं, वही इन्होंने रिपीट करके बताया कि इनके यहां तो किस तरह से चलता है। तो इस पर जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है यानी ओआईसी जिसे कहा जाता है, उनके यहां से ऑब्जेक्शन आया, बहुत बड़ा प्रेशर आया। अब प्रेशर क्या आया कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं श्री एम वेंकैया नायडू जी, ये वहां पर विजिट पर थे कतर में, और वहां के डिप्टी चीफ के साथ इनके लंच का कार्यक्रम था, भोजन का दोपहर के कार्यक्रम था, जो उन्होंने अवॉइड किया, स्किप किया और उन्होंने मना कर दिया। और वहां पर कतर हो, कुवैत हो या ईरान हो, इन लोगों ने एक एजिटेशन चालू कर दिया और यूनाइटेड नेशन से कहा जाने लगा कि इस्लामोफोबिया के विषय में मुसलमानों को भारत में टारगेट किया जा रहा है। लेकिन यही जिहादी लोग जिनका ये पूरा एजेंडा था, ये अब कहीं ना कहीं फेल होता हुआ और अटकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। ये जो पूरा मामला है ये बहुत ही अजीब किस्म का मामला है। जब इनके जिहादी यानी यही ईरान हो, कतार हो या फिर कुवैत हो, इनके जो जिहादी भारत में रहते हैं वो जब पवित्र शिवलिंग के बारे में कुछ कहें, कुछ वक्तव्य करें, तो उस बारे में ये अजीब न्याय है कि इस विषय में जो मोदी जी की सरकार है वो शिकायत नहीं करती इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन से। यानी ये जो इस्लामिक देश हैं, इनके जो अनुयायी हैं, जो जिहादी हैं भारत में, ये कुछ भी करें ये चल जाएगा क्या? ये किस तरह से भारत की जनता टॉलरेट कर सकेगी? इन्हें पद से हटाने का मतलब, नुपुर शर्मा जी को पद से हटाने का मतलब सीधा सीधा उन्हें जिहादी और फ्रिंज एलिमेंट्स के सामने
परोस देने की बात हो गई और इसके ऊपर भारत की जनता इतनी चिड़ी हुई है कि हमारे देश की एक बेटी जो देश के लिए बात कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा थी पिछले कई सालों से, उनको इस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया, उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया गया। क्या यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, इनकी कोई बहन या बेटी होती तो क्या उनके साथ में ये इस तरह का बर्ताव करते? एक अच्छी खबर यह है कि कल ही शाम को जानकारी प्राप्त हुई कि नुपुर शर्मा जी को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। लेकिन इससे बात खत्म नहीं होती। जो सोशल मीडिया पर जितने सारे डिबेट चल रहे थे, जो चैट चल रहे थे, उत्तर प्रति उत्तर, सवाल और जवाब, उसमें क्या था कि भारत में जो राम मंदिर बनने जा रहा है उस टाइम पे यही ओआईसी कंट्रीज ने, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के देशों ने हस्तक्षेप नहीं किया। अरे भाई, हम अपने देश में किचन कहां बनाएंगे और बेडरूम कहां बनाएंगे, सिटिंग रूम और डाइनिंग रूम कहां बनाएंगे, क्या ये बाहरी देश तय करेंगे? कश्मीर में वैसे ही हिंदुओं को और सभी राष्ट्रवादियों को एक एक करके चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है, उसके बारे में ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ये कुछ नहीं कह रहे। इन्हें सिर्फ तांडव करवाना है। और कई लोग सोशल मीडिया पर ये कह रहे थे कि 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय गल्फ के देशों में काम पर हैं। अरे भाई, अगर वो वहां काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो उन्हीं देशों को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके भी 30 करोड़ लोग भारत के अंदर सुरक्षित बैठे हैं। वरना जिस दिन भारत के लोगों का दिमाग आउट हो जाएगा, उस दिन भारत में क्या हो सकता है, इसका उन्होंने सोचना चाहिए। इस तरह का जवाब प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें तुरंत दे देना चाहिए था, उनके प्रेशर में आने के बजाय। इस तरह की अपेक्षा इन दोनों से थी। सोशल मीडिया पे तो यहां तक इन्हें कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने अब हिंदुत्व का जो ये ओढ़ करके रखा है, ये अब हटा दे, क्योंकि ये किसी एंगल से हिंदू नहीं नजर आ रहे, हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगना बंद कर दे। इस तरह की भी ट्रोलिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के साथ की गई है। यानी कहने का मतलब पूरा ये है कि जो ये हालात हैं, कुछ समय पहले तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी की तरफ ये लोग उंगलियां दिखा करके भारतीय जनता पार्टी के नेता पूछ रहे थे कि अब कहां गया आपका हिंदुत्व, यानी बाळासाहेब ठाकरे के बाद अब शिवसेना का हिंदुत्व नहीं रहा। अब यही सवाल आज शिवसेना के नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ प्रेस और मीडिया में आकर के करते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। ये किस तरह की राजनीति है? यानी कोई बाहरी देश अगर भारत के अंदर या भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या करना है, ये अगर वहां से तय होने वाला होगा, तो किस तरह से इस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास रखा जा सकता है? आज देश के जनता के सामने ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। साथ ही साथ आपको एक और जानकारी दे दें कि ये जब कोविड का दौर था, पैंडेमिक था, उस समय यही जिनके पास पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल के पैसे हैं, ये लोग ये देश भीख मांग रहे थे भारत से, किस चीज के लिए, वैक्सीन के लिए, मास्क के लिए। और तब भारत वही देश है और भारत के वही प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इन्हें वैक्सीन भेजे हैं, मास्क भेजे हैं और कई सारी उपकरण भेजे हैं। यानी इन भिखारी देशों को, इन्हें भिखारी कहा जाना सही है, इन भिखारी देशों को अपनी जगह पर रखना क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी का काम नहीं है? यानी अगर राम मंदिर भारत में बन रहा है तो इनका क्या लेना देना? हमारे पास अपनी फौज है, हमारी सेना है, हमारी जो वायु सेना है, साथ ही साथ नौसेना है, क्या वो हमने यूं ही बना करके रखे हैं शोकेस में रखने के लिए? ये बात इन गल्फ के देशों को, खाड़ी के देशों को प्रधानमंत्री मोदी जी जल्द से जल्द समझाएंगे। और साथ ही साथ अब ऐसा लगता है कि ये वक्त आ चुका है कि जब भारत में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कॉमन सिविल कोड लाया जाए, साथ ही साथ पॉपुलेशन कंट्रोल बिल ये जल्द से जल्द लाने की जो है आज की तारीख में जरूरत है। जब तक ये तुरंत अगर नहीं लाए जाते, यानी 15 दिन में, 1 महीने में या 2 महीनों में, तब तक भारत की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से ये सवाल करती रहेगी कि क्या आप भारत में हिंदुओं के नेता कहलाने के लायक हो या नहीं हो। इस सवाल के जवाब को देना ये अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथ में तो है ही है। साथ ही साथ
आपको एक और हम जानकारी दे दें कि पिछले 3 या 4 दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख हैं सरसंघ चालक सम्माननीय मोहन भागवत जी, इनका भी एक बयान आया था। जनता तो तब से तपी हुई बैठी है कि इन्होंने ये कह दिया था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग को ढूंढना जरूरी नहीं है। यानी जिस उनके कहने का मतलब यह था कि जितनी और मस्जिदें हैं उसके नीचे अगर कहीं हिंदू मंदिर थे जिन्हें तोड़ करके ये मस्जिदें बनाई गई, तो सबूत अब निकालना बंद कर दो। तो भारत की जनता कई दिनों से वैसे ही सोशल मीडिया पर ये बात कर रही थी कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी इस देश के हिंदुओं के मालिक है। वो बिल्कुल कतई मालिक नहीं है। हिंदुत्व ये भारत की जनता का जन्मजात अधिकार है और वो अपने जो पवित्र स्थल है उन्हें रिक्लेम करने का पूरा अधिकार रखती है। और जो 1991 का जो कानून बताया जा रहा है, यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, कि 15 अगस्त को जो मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, तो जिन जिन जगहों के जिन जिन स्थलों के अब तक स्वरूप नहीं तय किए गए हैं उसे तय करने का काम कानूनी रूप से न्यायालयों का है। यानी जब भी इस तरह की याचिका न्यायालयों के सामने जाएगी तो ये पहले से ये मस्जिद है या मंदिर है इसका स्वरूप न्यायालय तय करेगा, उसके बाद ये कानून उसके ऊपर लागू होगा। यानी अगर वो 15 अगस्त 1947 के पहले से मंदिर है, वहां शिवलिंग है, भगवान की मूर्तियां हैं, तो मस्जिद उसमें माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसी जगह पर नमाज पढ़ना इस्लाम के कानून के तहत मकरूह है, वो उनके लिए हराम है, गलत है, गैर कानूनी है। तो इस तरह की पूरी परिस्थिति है। तो ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्माननीय सरसंघ चालक हों श्री मोहन भागवत जी या भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता हों, इन्होंने ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब भारत देश की हिंदू जनता हो या जिस भी धर्म के अनुयायी हो, वो इन्हें चुन करके भेज रहे हैं सिर्फ 5 साल के लिए, उन्हें मालिक नहीं बना रहे देश के, उन्हें सिर्फ कस्टोडियन या ट्रस्टी सिर्फ 5 साल के लिए बनाया जा रहा है। ये बात भली भांति अपने ध्यान में रखना उन्होंने, और ये ध्यान में रख करके पूरे काम करना, देश की सेवा करना, ये उनका कर्तव्य है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्माननीय सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या भारत के गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा हो, इन्होंने अपना काम करते समय, अपना कर्तव्य करते समय ये ध्यान में रखना बेहद जरूरी है कि इन्हें जो चुन करके वहां भेजा गया है सरकार बनाने के लिए, ये सिर्फ 5 साल के लिए सत्ता में रहना है। इन्होंने इन्हें कस्टोडियन या टेम्पररी ट्रस्टी बना करके भेजा गया है और अपना काम करते समय या फिर अपना कर्तव्यों का निर्वहन करते समय ये पूरी जो बात है, ये हकीकत और ये सच्चाई, इसे जहन में रख के, ध्यान में रख के काम करना है। इस तरह से काम किए बगैर जो भी ये कर रहे हैं वो सिर्फ बातें हवा में होगी। उसे जनता को सच में लाभ हो रहा है या जनता को समाधान मिल रहा है, जनता समाधानी हो रही है या नहीं, इसका उन्हें कोई मालूमात, उसकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो ये जो पूरी परिस्थिति है, जो ये नुपुर शर्मा को राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटाने के बाद जो बातें सामने आई, हमें जो जानकारियां प्राप्त हुई, वो हमारे काफी सारे दर्शकों के फरमाइश के बाद हमने उस विषय पर ये वीडियो बनाया है। ये सारी जानकारियां आपको कैसी लगी ये तो जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं। साथ ही साथ अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सबसे पहले इसे लाइक करें और फिर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप ही का विश्व भारती चैनल है, इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।